हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, और इसमें हमारा चैप्टर 7 चल रहा है जिसका नाम है इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। इसमें आज हम करेंगे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। लास्ट हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कर चुके हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब देखो, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स शुरू करने से पहले एक बात आती है। अब कोई भी जो सप्लाई चेन है ना हमारी, हमारी सप्लाई चेन में क्या होता है, सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद पहुंचती है चीज़ें होलसेलर के पास, ठीक है। होलसेलर के बाद कहाँ पे जाती है, रिटेलर के पास, ठीक है। वैसे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमारी सप्लाई चेन है, लेकिन यहाँ पे मैं एक सिंपल सी आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये रहा प्रोड्यूसर, यहाँ पे होलसेलर है। जिस रेट पे होलसेलर रिटेलर को चीज़ देता है, अब देखो होलसेलर ऐसे हो सकता है, ये वाला जो होलसेलर है ना, ये प्रोड्यूसर से चीज़ें खरीदता है, और हो सकता है ये एक से ज़्यादा तरह की जो गुड्स है वो प्रोड्यूसर से ले रहा हो, और जो इसके पास गुड्स है ये एक रिटेलर से ज़्यादा रिटेलर्स को भी अपने गुड्स दे सकता है। 2, 3, 4, 5, 8, 10 रिटेलर, कितने भी रिटेलर्स को अपने गुड्स आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे रिटेलर्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, होलसेलर जो होंगे वो कम होंगे। अब होलसेलर जब रिटेलर को चीज़ें देता है, जिस रेट पे देता है उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब ये जो रिटेलर है, रिटेलर के बाद चीज़ें पहुंचती है कंज्यूमर के पास, और हो सकता है ये जो रिटेलर है इसके बीच में बहुत छोटे छोटे दुकानदार आ जाते हो, और उनके बाद ये जो छोटे छोटे दुकानदार है इनके बाद चीज़ें आगे कंज्यूमर के पास पहुंचती हो। ऐसा भी पॉसिबल है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि रिटेलर से आगे चीज़ें सीधी कंज्यूमर के पास पहुंच जाती हो। अब जिस रेट पे जो होलसेलर है वो रिटेलर को चीज़ें देता है उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, और इस लेवल पे जो इन्फ्लेशन चेक करी जाती है उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। अब उसके बाद अब रिटेलर तक चीज़ें पहुंच गई, रिटेलर आगे दे रहा है कंज्यूमर को, उसके बीच में छोटे छोटे दुकानदार भी आ सकते हैं और चीज़ें सीधी भी कंज्यूमर के पास पहुंच जाती है। अब जिस रेट पे ये रिटेलर चीज़ें आगे कंज्यूमर को देगा उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इस रेट पे जो इन्फ्लेशन चेक करी जाती है। अब ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन चेक करी जाती है, ये अलग अलग सेक्टर वाइज होती है। जैसे हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इंडस्ट्रियल वर्कर की होगी, एग्रीकल्चरल लेबरर्स की होगी, रूरल लेबरर्स की होगी, अर्बन रूरल की होगी, कंबाइंड इन्फ्लेशन। तो अलग अलग सेक्टर वाइज यहाँ पे इन्फ्लेशन चेक करी जाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर भी। अब होलसेलर जब रिटेलर को चीज़ें देगा तो इसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एडेड होएगी, होलसेलर का प्रॉफिट भी एडेड होएगा, प्लस इसमें टैक्सेस वगैरह सारे इंक्लूडेड होंगे। रिटेलर आगे चीज़ें जो कंज्यूमर को दे रहा है उसमें भी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होगी, टैक्सेस वगैरह प्लस रिटेलर का प्रॉफिट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, सारी चीज़ें इंक्लूड करके ही रिटेलर फाइनल कंज्यूमर के पास जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बेचेगा। अब ये जो प्रोड्यूसर है ये क्या कर रहा है, ये प्रोडक्शन का काम कर रहा है। अब प्रोड्यूसर भी प्रोडक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल लेकर आएगा, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेगा, और सारी चीज़ें यहाँ पे होएगी प्रोड्यूसर के पास भी। तो प्रोड्यूसर का जो खर्चा आया एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में, एक चीज़ की प्रोडक्शन में, तो वो क्या होगा, प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन। तो उस लेवल पे जो प्राइस इंडेक्स चेक किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स कवर कर चुके हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी हम कवर कर चुके हैं। जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए ये बेटर है देन WPI एंड CPI, क्योंकि अब देखो अगर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के लेवल पे हम यहाँ पे इन्फ्लेशन चेक कर रहे हैं तो ये जो है ये इनिशियल स्टेज है, तो इनिशियल स्टेज पे अगर हम इन्फ्लेशन चेक करेंगे तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो कम नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वहाँ पे जो इन्फ्लेशन चेक करी जाती है वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के लेवल पे इन्फ्लेशन चेक करी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो डाटा रिलीज होता है वो रिलीज़ होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स के लेवल पे इन्फ्लेशन का एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लेवल पे इन्फ्लेशन का डाटा हमारे यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है। 2003-04 में गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था कि क्यों ना हम WPI से PPI में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि
ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इकोनॉमीज है, जो मोस्ट कंट्रीज़ की इकोनॉमीज है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात नहीं करेंगे, जो मोस्ट कंट्रीज़ की इकोनॉमीज है वहाँ पे इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स चेक किया जाता है। तो क्यों ना हम भी WPI से PPI में शिफ्ट हो जाए, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था। अब PPI के कुछ हम स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं। PPI में क्या क्या चीज़ें मेजर करी जाती है। PPI में प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से जो प्राइस चेंज मेजर करते हैं उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और जो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से हम चेक करते हैं प्राइस चेंजेस उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और WPI हो गया जो होलसेल मंडीज के पर्सपेक्टिव से हम प्राइस इंडेक्स चेक करते हैं उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब प्रैक्टिकली हम बात करें तो जो होलसेलर होता है वो रिटेलर से ज़्यादा प्राइसेस लेगा जितने प्राइसेस में उसने प्रोड्यूसर से चीज़ खरीदी होगी, क्योंकि उसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी और उसने अपना प्रॉफिट भी तो बीच में लेना है ना। तो इसीलिए जो होलसेलर होगा वो ज़्यादा रेट पे रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर आगे कंज्यूमर को ज़्यादा रेट पे बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना बीच में से प्रॉफिट भी निकालना है और प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी निकालनी है। तो अब वैसे अगर हम देखें PPI का जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में हम निकालते हैं इन्फ्लेशन, तो इस इन्फ्लेशन में ना तो टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, ना कोई ट्रेड मार्जिन इंक्लूडेड होता है, ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें होती है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है, यहाँ पे अभी प्रोडक्शन हो रही है। तो इसमें ना तो किसी का अभी तक प्रॉफिट है, सिर्फ प्रोड्यूसर का प्रॉफिट ही ऐड होएगा, बाकी इसमें टैक्सेस ट्रेड मार्जिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होगी। तो इसीलिए अगर हम इन्फ्लेशन PPI के बेसिस पे निकालेंगे तो जो इन्फ्लेशन रेट होगा वो एज कम्पेयर टू WPI एंड CPI बहुत कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि जो PPI लेवल पे इन्फ्लेशन चेक करते हैं वो वाला जो इन्फ्लेशन का मेजर है वो बेटर है एज कम्पेयर टू अदर लेवल्स, क्योंकि PPI लेवल कौन सा है, प्राइमरी स्टेज है, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, फिर फिनिश्ड गुड फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचेगी। जब तक फिनिश्ड गुड कंज्यूमर के पास पहुंचती है तब तक बहुत स्टेजेस में से गुजर कर आती है, तो हर एक स्टेज पे, हर एक लेवल पे जो उसका प्राइस है वो बढ़ता है, क्योंकि हर किसी का प्रॉफिट बीच में इंक्लूडेड होता है, टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, ट्रेड मार्जिन्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जिसकी वजह से जब तक फाइनल गुड जो कंज्यूमर तक पहुँचती है वो बहुत महंगी हो जाती है। वैसे अगर हम बात करें कि जो हम PPI लेवल पे इन्फ्लेशन निकालने का हम बात कर रहे हैं, PPI लेवल पे जो इन्फ्लेशन रेट होगा वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू CPI। अगर हम बात करें CPI और WPI की, तो WPI पे जो रेट है वो कम है एज कम्पेयर टू CPI, तो PPI पे जो इन्फ्लेशन रेट होगा वो सबसे ज़्यादा कम होगा, लेकिन इससे जो कंज्यूमर है उसको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। रीज़न बीइंग, अब देखो कंज्यूमर के पास चीज़ें तो सेम सारी स्टेजेस में से क्रॉस करके आनी है ना, तो कंज्यूमर के पास जब फाइनल चीज़ पहुंचेगी तो उसको तो सारे बीच में टैक्सेस, जो भी उनके प्रॉफिट है हर लेवल पे, सारा कुछ पे करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर को जो चीज़ होएगी वो उसी रेट पे मिलेगी जितनी पहले मिलती थी, बट इसमें फ़र्क ये है कि इसमें सिर्फ देखने को जो इन्फ्लेशन होएगी ना वो कम नज़र आएगी, अदरवाइज कंज्यूमर को इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, राइट। फिर आगे बात करते हैं मिड 2019 की, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक वर्किंग कमेटी सेटअप करी थी 2019 में, जिसके हेड थे रमेश चंद, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं। तो उन्होंने फिर उस टाइम पे कुछ इश्यूज बताए थे रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग WPI। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो WPI का बेस ईयर है उसको चेंज किया जाए, क्योंकि अब बेस ईयर क्या था, लास्ट मई 2017 में बेस ईयर चेंज हुआ था, 11-12 उन्होंने उस टाइम पे बेस ईयर लिया गया था। तो अब इनका ये जो कमेटी थी, वर्किंग ग्रुप था, इन्होंने सजेस्ट किया था कि बेस ईयर जो है वो रिवाइज करना ज़रूरी है, टाइम टू टाइम बेस ईयर रिवाइज होना चाहिए। फिर कमोडिटी बास्केट की बात आई कि WPI की जो कमोडिटी बास्केट है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करके इसमें जो नंबर ऑफ कमोडिटीज़ है उसको चेंज, अब इसमें देखो चेंजेस आती रहती है, WPI की बास्केट हो गई, PPI की हो गई, CPI की हो गई, तो इसमें जो नंबर ऑफ गुड्स है वो चेंज होती रहती है, कुछ नई गुड्स इसमें ऐड हो जाती है, कुछ पुरानी गुड्स को इसमें से निकाल दिया जाता है। तो ये जो कमोडिटी बास्केट है इसमें चेंजेस आती रहती है टाइम टू टाइम, ये फिक्स नहीं होती कि इसमें नंबर ऑफ कमोडिटीज कितनी होएगी। फिर उन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना प्राइस कलेक्शन का, स्पेशली
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डाटा कलेक्शन मेथड है वो इतना अच्छा नहीं है, वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा। इसीलिए रियल सेंस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हो रहा है उसका डाटा अगर आपने इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको जो प्राइस कलेक्शन का मेथड है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। और फिर गवर्नमेंट ने लास्ट में ये बात बोली कि अब जो हमने स्विच करने की बात करी है ना कि WPI से PPI में स्विच करना है, ये अब पहली बार बात नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में डिस्कशन 2019 में ही हुई है, इससे पहले भी बहुत बार इस पर डिस्कशन हो चुकी है। 2004-05 में प्रोफेसर अभिजीत सेन, उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने फर्स्ट वर्किंग ग्रुप बनाया था, जो उसके चेयरमैन थे, जो कि उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। तो जो फर्स्ट वर्किंग ग्रुप बना था ना इस बात को लेकर के WPI से हम PPI में स्विच हो जाए, तो ये इसका जो फर्स्ट वर्किंग ग्रुप बना था वो बना था 2004-05 में, जिसके चेयरमैन थे अभिजीत सिंह, प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। तो उस टाइम पे उन्होंने भी ये बात बोली थी कि हम WPI से PPI में स्विच हो जाए, उन्होंने भी उस टाइम पे सजेशन दिया था। उसके बाद फिर 2014 में फिर से इसके बारे में बात हुई थी, एक और वर्किंग ग्रुप बना था जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर BN गोलदार, तो उन्होंने भी उस टाइम पे स्विच करने की बात करी थी कि क्यों ना WPI से PPI में स्विच हो जाए। जबकि उस टाइम पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी, उन्होंने बोला था कि जो CPI इन्फ्लेशन है ना वो बेस्ट मेथड है टू मेजर द इन्फ्लेशन, WPI से जो बेस्ट है वो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, जो रूरल एंड अर्बन का कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना वो बेस्ट है इन्फ्लेशन को मेजर करने का। अब सीधी सी बात है, अगर आप प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन निकालोगे तो इन्फ्लेशन जहाँ पे कम नजर आएगी, अगर WPI के बेसिस पे इन्फ्लेशन निकालोगे तो इन्फ्लेशन रेट थोड़ा ज़्यादा नजर आएगा। अगर आप वहीं पे CPI के बेसिस पे कंबाइंड लेवल के बेसिस पे इन्फ्लेशन निकालोगे तो इन्फ्लेशन जो आएगा वो देखने को ज़्यादा होगा, लेकिन जो असली इन्फ्लेशन का पैमाना है ना, जो पैरामीटर्स है, वो CPI के ही रहेंगे, क्योंकि फाइनल कंज्यूमर के पास किस इन्फ्लेशन रेट के रेट से चीज़ें पहुंच रही है वही चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, ना कि ये चीज़ मैटर करती है कि कितनी इन्फ्लेशन रेट पे चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यूज़ किया जाता है, राइट। तो इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।